Hi guys, I hope you are all doing great. Okay, a common question which is asked to us, okay, that my article SIB is almost dummy. I have not done that great article SIB. So whether I can get into a good company like Big Four or MNC, okay, do I need to do some master classes for gaining the practical knowledge? Okay, now this is a very important question which is asked in almost everywhere this question is asked to me. Now, what we need to understand is that for clearing an interview, it is very much important that, for example, it's a stat audit or internal audit or direct tax or indirect tax or a finance profile. You need to know what type of questions they will ask you, number one. So you need to know what type of questions they ask you, and then you need to know the answers that you need to prepare. The interview ka question answers aapko bata hona bahut zaruri hai. Number one thing. Number second thing is that they will be asking you stories, observations, facts, and figures. तो वो लोग आपको क्लाइंट का डिटेल्स पूछेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डूइंग स्टैट ऑडिट, सो दे विल बी मच मोर इंटरेस्टेड टू नो कि आपने आर्टिकल सी पे स्टैट ऑडिट में क्या क्या काम किया है. क्लाइंट का डिटेल्स, क्लाइंट डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट टर्न ओवर, विच सेक्टर यू हैव वर्क, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस था आपका, क्या फ्रॉड स्टोरीज था, क्या अचीवमेंट स्टोरी था, व्हाट वाज योर सक्सेस स्टोरी, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग दैट आर्टिकल शिप. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर विल बी बिहेवियर अराउंड क्वेश्चंस लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, ओके, व्हाई दिस प्रोफाइल ओनली, व्हाई ऑडिट, व्हाई नॉट टैक्स, व्हाई टैक्स, व्हाई नॉट ऑडिट, व्हाई बिग फोर, व्हाई नॉट इंडस्ट्री, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, व्हाई दिस पर्टिकुलर सिटी. सो यू नीड टू नो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, यू नीड टू नो द टेक्निकल क्वेश्चंस, यू नीड टू हैव सम स्टोरीज, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टोरीज. सो इफ यू आर एबल टू जज दिस मच एरियाज, ओके, देन देर बी वर्सन टेस्ट इफ इट्स अ डिलॉयट यूएसआई, एप्टीट्यूड टेस्ट इन केस ऑफ केपीएमजी ग्लोबल और ईवाई जीडीएस. सो यू नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ एप्टीट्यूड, देन दे आर एक्चुअली चेकिंग योर एप्ट, दे आर चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आई ऑलवेज फील, एंड हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड For me, I think master class, I think so, will not really help you. Or to be very honest, okay, master class आपका तब help करेगा जब आपका वो domain में job लग जाएगा. For example, you get a job in stat audit domain. Interview clear करने के लिए you need to have the selling skills. You need to have the selling skills. सामने वाला को जो answer चाहिए वो answer आपको पता होना चाहिए. आप किस तरीका से जवाब दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है. एक इंसान 15 सवाल का जवाब सही देता है. एक इंसान 15 सवाल में से 10 सवाल का जवाब सही देता है, बट उस सेकेंड वाला को ले सकता है जिसने 10 सवाल का जवाब सही दिया. दे आर चेकिंग हाउ यू आर सेइंग द आंसर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर सेइंग द आंसर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. व्हाट आर यू सेइंग द आंसर इज लीस्ट रेलिवेंट. ऑल्सो, सारा आंसर का जवाब आपको पता नहीं हो सकता है. टेक्निकल क्वेश्चंस आपको नहीं पता तो यू शुड नो व्हाट यू नीड टू से टू देम. अगर बिहेवियर क्वेश्चन आपको नहीं पता तब आपको पता होना पड़ेगा कि कैसे बोलना है. एंड बिहेवियर क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है. एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये आपको डोमेन वाइज अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन अबाउट सीवी, सीवी से आपको 50% क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है. जो भी आप सीवी में लिखोगे उससे सवाल आएगा. तो सीवी में एक चीज मैंने बहुत लोगों का देखा है दैट दे डू ओवर मार्केटिंग, दे राइट इन डेस लिमिटेड रिव्यू जो कि लिस्टेड क्लाइंट में होता है, जस्ट टू शो दैट दे हैव डन दैट वर्क. अगर आप ओवर मार्केटिंग करोगे सीवी पे तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट रिजेक्टेड लाइक दिस ओनली. अगर आप अंडर मार्केटिंग करोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, तब भी प्रॉब्लम है. तो सीवी भी बहुत आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा. एंड सीवी अलग अलग बनता है हर एक प्रोफाइल का. खाली इन कैंपस और naukri.com में आपको एक पर्टिकुलर एक सीवी बनेगा, मास्टर सीवी जिसको बोलता है, बट इन केस ऑफ द कंपनीज यू हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट सीवीज. तो दिस इज वॉट यू नीड टू नो कि आपको किस तरीके से करना है. आई हैव डन आर्टिकल सी फ्रॉम स्मॉल फर्म, आई डिड नॉट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बट यू नीड टू लर्न कॉमन सेंस. एंड कॉमन सेंस कैन ओनली कम आफ्टर गिविंग सम इंटरव्यूज ऑफ स्मॉल फर्म्स एंड प्रैक्टिस ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल. आप मेरा चैनल फॉलो करो एंड फॉलो आवर वेबसाइट, क्योंकि अभी रिजल्ट 9 तारीख से है. आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल बी अपलोडेड, ओके, बट द रिजल्ट इज फ्रॉम 9 तारीख नो. एंड यू नीड वन टू वन मेंटरशिप, आई ऑलवेज फील दैट यू नीड वन टू वन मेंटरशिप.
You cannot select a one domain. This is another mistake many people do. They wait for the call to come, then they will prepare. It will not really going to help you out. आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा सारा डोमेन के लिए. आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन में जल्दी जॉब लगता है, कौन सा डोमेन में दिक्कत से जॉब लगता है. और आधा से ज्यादा लोगों को पहले कॉल का टेंशन रहता है, कॉल आने के बाद पढ़ाई के ऊपर में टेंशन नहीं होता है. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे फेस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ब्रेन इज लाइक योर शॉप एंड द नॉलेज दैट यू आर गैदरिंग इज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यू विल बी सेलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड. The consumer is your HR or the company managers. So you need to learn that you need to first have the knowledge within yourself. That knowledge only you will be able to sell to the outside world. If you don't have the knowledge with yourself and you are thinking about an interview call, it will not really going to help you out. Please remember this, that कॉल सबका आ जाता है, आज नहीं तो कल सबका इंटरव्यू कॉल कहीं ना कहीं से आ जाता है. कॉल आने के बाद आप क्या करोगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बिकॉज इन केस यू गेट रिजेक्टेड, आपका 6 मंथ्स का लॉस हो गया टाइम पीरियड. 6 मंथ्स तक आप नहीं दे पाओगे नो मैटर वॉट यू डू. देन देर विल बी क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो. HR का कॉल आएगा, आप कॉल में कैसे बात करना है. दिस ऑल थिंग्स नीड टू बी डन वेरी वेल. दैट्स वाई आई ऑलवेज फील वन टू वन मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पर में स्टूडेंट के ऊपर में मेहनत किया जाए. और बहुत लोगों का स्टूडेंटों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है, इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, दे डोंट नो वट टू से, वो रुकते हैं बोलने के टाइम में, नर्वसनेस रहता है. मॉक प्रैक्टिस चाहिए आपका, एक दो मॉक प्रैक्टिस से क्या ही होगा, यू नीड मोर मॉक प्रैक्टिस. सो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. आप मेरा वेबसाइट अगर गो थ्रू कर लीजिएगा, मेरा चैनल में और वीडियोस दो तीन देख लीजिएगा. आई होप अगर ये वीडियोस आपको नॉलेज मिला. वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स इन सीए कम्युनिटी इन द लास्ट 2 ईयर्स. कैंपस के पहले वी टेक सेशंस एंड एवरीथिंग. मैं सारा मटेरियल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. आपका कॉल शेड्यूल करने में मेरा पूरा पूरा सब कुछ हेल्प रहेगा. बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रियली वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड इन गेटिंग द राइट गाइडेंस. अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू नो कि कहाँ पर मैं जॉब एक्चुअली लग सकता है प्रैक्टिकली. यू हैव 6 अटेम्प्ट्स एंड यू थिंक दैट यू कैन गेट इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग और प्राइवेट इक्विटी बाई डूइंग एक्स वाई जेड कोर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल. दिस इज गोइंग टू रियली वेस्ट योर बिग टाइम. गॉट माई पॉइंट? सो यू नीड टू नो कि कहाँ पर मैं एग्जैक्टली जॉब लग सकता है. एंड दैट्स वाई इफ यू रियली फॉलो आवर कॉन्टेंट, यू विल गेट दैट वी ट्राई टू ऑनेस्टली एंड ट्रूली गाइड द स्टूडेंट्स इन वेयर एग्जैक्टली दे कैन गेट द जॉब्स. गॉट माई पॉइंट? राइट. सो ये वीडियो को आप अपना दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो जिसको थोड़ा सा अभी टेंशन होगा, रिजल्ट को लेके भी टेंशन होगा आई गेस. बट डेफिनेटली रिजल्ट के बाद आपको जॉब के लेके भी टेंशन होना पड़ेगा. बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 50-60% स्टूडेंट्स ओनली गेट जॉब, 25% to 30% इन कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस ऑल्सो. सो यू नीड टू रियली वर्क हार्ड. अनलेस यू रियली वर्क हार्ड, आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव डिफिकल्टी टाइम्स. वेदर यू आर इवन आर्टिकल्स इफ डन नाइसली ऑल्सो, देन ऑल्सो यू माइट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम टू क्लियर इंटरव्यूज. बिकॉज इंटरव्यू में सामने वाला को क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए. आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आपका पैसन फॉर द कंपनी फॉर द प्रोफाइल देखा जाएगा. अगर आप पैसनेट नहीं दिखाओगे, अगर वो आपका आई कॉन्टेक्ट से दिखा कि पैसनेट नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाएगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वॉट यू आर वेयरिंग, हाउ यू आर ड्रेसिंग, आपका वॉल पेपर, एवरीथिंग विल मैटर देयर. यू गॉट माई पॉइंट ना? And if you follow my LinkedIn profile, okay, I have been from a small city, not the greatest of article say, but I've been able to work in all the big fours, almost 3 of the 4 big fours. I have worked in all almost good domains, indirect tax, debt audit, internal audit. So you can follow our content and you follow our website also. I think our content will really help you to get the right guidance. And please, I am telling you, getting a job nowadays in market is you need to really work very hard for getting a good job. You need to show your experiences properly. So I have worked in all the field and I have guided so many people. I know it's not getting job is not easy nowadays. You need to work very hard. तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस चार्टर अकाउंटेंट, वन टू वन मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर. ओके, सो यू डी नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. आपको मॉक इंटरव्यूज, एवरीथिंग विल बी हेल्पिंग.
यू विथ, ओके, और मेरे नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो वी विल बी हेल्पिंग यू विथ एवरी पॉसिबल थिंग। और मेरा सबसे बड़ा ये है कि जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा, वी विल नॉट बी लीविंग यू। इट्स द वन टू वन मेंटरशिप, यू हैव नो नीड टू मीन्स वी विल ट्राई बेस्ट कि आपको जल्दी से रिस्पॉन्स किया जाए। हैव सीन ट्रांसफर प्राइसिंग, एवरीबडी हैज गॉट जॉब इन एवरीवेयर, लार्सन टू ग्रो, दुबई में जॉब लगा है, डिलॉइट यूएसए, इनस्पेक्ट मल्टीपल अटेम्प्ट जिनका हुआ है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी हैव प्लेस्ड पीपल। ओके, तो ये वीडियो आप शेयर करिए, एंड इफ यू रियली फॉलो द कंटेंट, ओके, यू विल आल्सो लाइक इट, कि आपका कंटेंट भी हम लोग को, आपको मेरा कंटेंट से आपको रियली वैल्यू भी मिलेगा। मेरा चैनल आप फॉलो कर लीजिएगा अब में, ठीक है? तो फॉलो आवर चैनल ऑल्सो, वेर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेंट। ओके, द कॉन्टेंट विल हेल्प यू टू ग्रेट डिफरेंट डोमेन्स। आपको डीप लेवल का कॉन्टेंट मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा, बिकॉज आप मेरा ये वीडियो देखिएगा जहाँ पर मैं हम लोग ने कि क्या पर आपको कौन सा डोमेन सिलेक्शन करने में हेल्प होगा, एंड हाउ इट विल बी रियली, अलग अलग डोमेन में कैसे करके आपको जाना है। एंड वी ऑलवेज वर्क हार्ड ऑन कॉन्टेंट, बिकॉज कॉन्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में कॉन्टेंट ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। इफ योर कॉन्टेंट में आपका दम होगा इंटरव्यू में, योर नो द क्वेश्चन आंसर्स, यू विल बी एबल। आप देखो दुबई में भी जॉब लगा है मल्टीपल अटेम्प्ट का, तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे जैसे हम लोग करा रहे हैं, तो हाई चांसेस है 8 अटेम्प्ट का IOCL, एवरीवेयर पीपल हैव गॉट जॉब्स, तो डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब। द ओनली थिंग आई रिक्वायर फ्रॉम यू इज द हार्ड वर्क। जो भी हम लोग होमवर्क देगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप हम जैसे बता रहे हैं वैसे अगर आप होमवर्क करोगे, तो इट डज नॉट रियली मैटर आपका कितना अटेम्प्ट है, आपने आर्टिकल सिर्फ कहाँ से किया है, योर कम्युनिकेशन स्किल इज बैड और नॉट गुड, और इंग्लिश इज नॉट अप टू मार्क, यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। तो मेरा कॉन्टेंट आप फॉलो करो, थोड़ा एफर्ट डालो, इवन इफ यू हैव फॉर दिस टाइम, इफ यू फील यूर कॉन्फिडेंट ऑफ रिजल्ट, आई वुड सजेस्ट कि अभी ज्वाइन करके आप अपना नॉलेज के ऊपर काम करो, क्योंकि नॉलेज इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन द लॉन्ग टर्म। ओके, आई होप दिस वीडियो विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू गेट जॉब, द बेस्ट जॉब इन द मार्केट, एंड दैट ऑल्सो इन अ क्विक टाइम।